था और आज उस पर योगी आदित्यनाथ ने हामी भरी। अब दो जगहों पर कमिश्नर सिस्टम चलेगा, मतलब अधिकारियों से अधिकार छीनकर पुलिस विभाग को अधिकार दिया गया है। कमिश्नर सिस्टम इससे पहले महाराष्ट्र में लागू है और दिल्ली में लागू है और अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी मुहिम शुरू हो चुकी है। शुरुआत दो जगहों से जरूर हुई है लेकिन क्या कुछ बदलाव होंगे, किसके किसके अधिकार जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, संडे डिबेट के साथ मैं हूं काव्य नाटक। अभी कमिश्नर सिस्टम जो है वो गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके तहत अधिकारों की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जब इस पर प्रयास किया जा रहा था कानपुर में इसका प्रयास किया गया था लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था उसका वजह था अधिकारियों के अधिकारों का छिनना। अधिकारों का जैसे ही छिनना अधिकारियों का शुरू होता है नाराजगियां शुरू हो जाती हैं और सामान्य सी बात है, आप किसी से उसका अधिकार लेंगे तो स्वीकार नहीं करेगा इस चीज को। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो एनसीआर से लगा सेक्टर आता है और क्योंकि एक जगह पर जो है वो कमिश्नर सिस्टम चलता है, दूसरी जगह पर जो है डीएम वाला अधिकार चलता है, तो इसको लेकर थोड़ी सी असमंजस हो जाती थी, समन्वय आपस में नहीं बन पाता था। अब आपको बता दूं कि मजबूत जो कह रहे हैं कि व्यवस्था होगी वो कैसे होगी, कमिश्नर प्रणाली में पुलिस को तमाम प्रशासनिक अधिकार मिल जाते हैं। अब तक गौतम बुद्ध नगर में जो सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था थी उसमें जिलाधिकारी के पास पुलिस को नियंत्रण करने का अधिकार होता है, जो सामान्यतः हर जगह इम्प्लीमेंटेशन आप बखूबी जानते हैं कि किसी भी चीज के लिए डीएम के पास जाना पड़ता, तबादला करवाना हो, प्रमोशन हो, हर चीज का अधिकार डीएम के हाथ में होता है। मतलब सामान्य पुलिस व्यवस्था में जिले के अंदर भी किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करने के लिए एसएसपी को जिलाधिकारी की मंजूरी लेनी होती है। क्षेत्र में धारा 144 या कर्फ्यू लागू करना हो तो उसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों का इसका पास इसका अधिकार होता है। इसी तरह सामान्य पुलिसिंग के अंतर्गत दंगे जैसी स्थिति में पुलिस को लाठीचार्ज या फायरिंग के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है। यहाँ आप एक बात सुनिएगा, जो पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज का आरोप लगा कि पुलिस ने अपने मन से लाठीचार्ज किया, इसको समझिएगा, इसका अधिकार उन्हें नहीं है कि वो डायरेक्ट लाठीचार्ज कर ले, परमिशन मांगनी पड़ती है उन्हें ऊपर से कि हम लाठीचार्ज कर ले रहे क्योंकि अब हम पे हमला शुरू हो चुका है। दरअसल दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जिसको हम कहते हैं में डीएम को कानून व्यवस्था बरकरार रखने की कई शक्तियां प्रदान की गई हैं। आमतौर पर सीआरपीसी के अधिकार जिलाधिकारी अन्य प्रशासनिक अधिकारी पीसीएस को भी इसके अधिकार प्रदान किए गए हैं। पुलिस की मासिक क्राइम बैठक भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ही होती है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में सीआरपीसी के सारे अधिकारी पुलिस अधिकारी को मिल जाते हैं, जो सारे अधिकार हैं। ऐसे में पुलिस त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होती है, नतीजन कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। मतलब जैसे पुलिस पर अगर इस बार आप ईंटे पत्थर फेंकना शुरू करेंगे तो उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं आप लाठीचार्ज करने के लिए, वो डायरेक्ट उसी दौरान आपकी एक पत्थर का जवाब पे लाठीचार्ज कर देगी जिससे वो एक मिनट में वहां से भीड़ को खदेड़ के कोने में कर देगी। बची धारा 144 के लिए, पहले क्योंकि उन्हें डीएम के पास जाना पड़ता था कर्फ्यू की स्थिति पर और धारा 144 को लेकर के, तो अब है स्थिति ऐसी कि इन दो जगहों पर अगर कभी पुलिस प्रशासन को लगा कि धारा 144 या कर्फ्यू की जरूरत है तो उसे किसी अधिकारी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में। इन अधिकार क्षेत्रों के साथ अगर बात करूं, पुलिस आयुक्त प्रणाली में पुलिस कमिश्नर जिन्हें सीपी कहते हैं, अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी रैंक के अधिकारी को बनाया जाता है। इनके नीचे पुलिस महानिरीक्षक जो आते हैं आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं जिन्हें आयुक्त प्रणाली का ज्वाइंट सीपी कहा जाता है। इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी होते हैं जिन्हें एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडिशनल सीपी कहा जाता है। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक एसएसपी एसपी के रैंक के अधिकारी होते हैं जिन्हें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी कहा जाता है। डीसीपी एक शहर या इलाके के प्रभारी होते हैं। डीसीपी के नीचे डीएसपी एएसपी होते हैं जिन्हें आयुक्त प्रणाली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी कहा जाता है। इसके अलावा सभी थाने और पुलिस चौकी भी सीधे तौर पर डीसीपी के अंतर्गत आती है। तो अब आप स्थिति को समझिए क्यों इसका पहले से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। इसमें जो सबसे बड़ी गाज गिरने की स्थिति है वो है आईएसपी से अधिकारियों पर, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र उनके थे, अधिकार क्षेत्र उनसे लिए आपने और सीधा पुलिस प्रशासन के हाथ पे दिए। तो अब जो हम कह रहे हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग, अब स्मार्ट पुलिसिंग आएगी, उसकी व्यवस्था का एक सपना था, बहुत लंबे दौर से चल रहा था, वो जो है वो बढ़ता नजर आएगा। अधिकार तो दे दिए गए हैं, अधिकारों का उपयोग कैसे होता है बड़ा सवाल।
दो सवाल है, अगर आप इसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई होगी, बिल्कुल सही बात है, त्वरित कार्रवाई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई बार सवाल भी उठ चुके हैं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर, कई बार सवाल उठे हैं उनकी कार्रवाई के तरीके पर, कई बार सवाल उठे हैं उनके आरोपियों के गिरफ्तार करने पर, एनकाउंटर पर तो सवालों की बौछार हुई है। अब इस स्थिति के बाद जब अधिकार एक आपके हाथ में दे दिया जाए तो उसका सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, ये तो आप नहीं जानते, क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम वैसे तो बहुत अच्छी मानी जाती है, अभी तक जहां भी इंप्लीमेंटेशन है इसका वहां अच्छा माना जाता है, लेकिन उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करेगा व्यक्ति या नहीं करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को बखूबी हम जानते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है, और इसकी तस्वीरें भी लगातार इंडिया वॉच ने भी आपको दिखाई, बाकी मीडिया चैनल्स के जरिए भी आपने उन तस्वीरों को देखा, जब पुलिस ने कानून को अपने हाथों में लिया है, जब कानून के रक्षक ही कानून को अपने हाथों में ले ले, तो आप चाहे कितनी भी बड़ी योजना या मुहिम लागू कर दीजिए, सवाल एक तुरंत उठ जाएगा, वो सवाल होगा कि क्या यह अधिकार जायज हाथों में गया है, क्या यह अधिकार जायज व्यक्ति को मिला है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पुलिस प्रशासन के कई बार ऐसे रवैये सामने आए हैं जो नहीं आने चाहिए, उनकी कार्यप्रणाली पर या उनकी कार्रवाई पर इस तरीके के सवाल नहीं उठने चाहिए। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराती है, उसके बाद जरा चर्चा करते हैं कि अधिकारों का उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। केसी जैन जी हैं मेरे साथ, भाजपा से नेता हैं, शशिनाथ दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एस के द्विवेदी जी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, और इरफान मलिक जी हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा के। सबसे पहले केसी जैन जी की तरफ से ही जाऊंगी, क्योंकि बड़ी शुरुआत करी गई है, बड़ा एक तरीके से उपहार इसे कह सकती हूं उत्तर प्रदेश को दिया गया, और ये दावा किया गया है कि कानून व्यवस्था इससे सुधरेगी। केसी जैन जी, जी जी देखिए, इस व्यवस्था की मांग एक बहुत लंबे समय से चल रही थी, और कई सारी रिपोर्टें आईं, कई इस तरीके की रिपोर्टें आईं जिसमें ये कहा गया कि कमिश्नर प्रणाली उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रदेश है, और जिस प्रकार से कुछ जगहों पे क्राइम रेट लगातार बढ़ा ही रहता है, कितनी भी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम अभी तक है, ये चूँकि एक परमिशन लेना डीएम के वहाँ से तमाम सारी चीज़ों में, जैसा कि आपने अभी अपने प्रोमो में तमाम सारी चीज़ें बताई कि जो त्वरित कार्रवाई है उसमें जब फाइलें डीएम एसडीएम के पास लंबित रहती हैं, ऐसे में त्वरित निर्णय नहीं हो पाता, और जो एक बड़ी क्षति हो जाती है उसकी पूर्ति करना फिर मुश्किल होता है। जैसे कि आपने बताया धारा 144 को लगाना हो, या जो गुंडा एक्ट गैंगस्टर की फाइलें हैं, हाँ, तो ये सारी चीज़ें अब जितनी नुकसान होना था, एक बड़ा नुकसान हो जाए, उसके बाद में उसी क्रम में बीच में उसमें से फोन के माध्यम से फाइल जाएगी, फिर वहां पे परमिशन होगी लाठीचार्ज की, तब वहां पे लाठीचार्ज के लोगों को हटाया जाएगा, भीड़ को तितर बितर किया, तब तक एक बड़ा नुकसान हो चुका होता है। और इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस के हाथ में जरूरी था कि इस तरीके के अधिकार हों। इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें ऐसा नहीं है कि जो है जो आईएएस अधिकारी है उनसे सब कुछ छीन लिया गया है, या पीसीएस अधिकारी को सब कुछ दे दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि देखिए, जो कानून है और जो शासन है उसकी मंशा और मांग हमेशा ये रही है कि जनता को त्वरित न्याय मिले और शासन प्रशासन बेहतर हो, और इसके लिए लगातार प्रयोग होते रहे, और उन्हीं में से ये चीज है। फिर दो जिलों में ये लागू किया जा रहा है अभी, और बाकी अभी वहां पे लागू नहीं है, जहाँ पे बड़ी आबादी है, जहाँ पे 20 लाख से ऊपर की आबादी, वहां पे चीजें की जा रही हैं अभी, और प्रयास किया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं एक बड़े लाभ मिले, उद्देश्य ये है इसका सिर्फ। क्या लगता है आपको, बड़ी सौगात के तौर पर इसे केसी जैन जी और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी मानते हैं कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अच्छा, पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होना कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए पहले उत्तर प्रदेश में एक आईजी हुआ करता था और पूरे प्रदेश का को नियंत्रण में रखते थे जी। उस आईजी के बाद फिर व्यवस्था बदली तो डीजी हो गए जी। और फिर एडीजी और तमाम पद बढ़ते रहे। आप देखिए कि दिल्ली में, बंबई में, महाराष्ट्र वहां पे, मद्रास में, बंगलौर में और तमाम शहरों में यह व्यवस्था लागू है, और वहां का क्राइम रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, तो मुझे तो नहीं लगता
कि इस व्यवस्था के लागू होने से क्राइम रिपोर्ट कहीं से कोई का नाम है क्राइम अपराध कम हो रहे हैं। आप दिल्ली अब तो क्राइम रिपोर्ट डीएम को भी नहीं देनी इस व्यवस्था के बाद, तो क्राइम रिपोर्ट भी डीएम को नहीं देनी है बिल्कुल। दूसरी चीज यह है कि जहां तक पुलिस को, अभी आप देख लीजिए छोटे छोटे से मामले को लेकर के किसी को 107 116 में भेज दिया जाता था, वो कारण है जाकर के कम से कम एसडीएम के यहां से जमानत करवा लेता था मजिस्ट्रेट। अब इनको जब मजिस्ट्रेटिव पावर मिल जाएगा तो बहुत सारे ऐसे बेगुनाह आदमी जिनको पुलिस शक के बिना पे या राजनीतिक दबाव के बिना पे या किसी उसमें आकर के उठा करके और भेज देगी सीधे जेल, उसकी कोई कारण में सुनवाई नहीं होनी है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं, अब देखना यह है कि ये व्यवस्था लागू होता है इसको किस तरह से ये लोग चला रहे हैं, किस तरह इस पर नियंत्रण हो रहा है, ये सामने ही आ जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने से मैं ये समझता हूं कि व्यवस्था के लागू होने से कुछ ही नहीं, आदमी का इकबाल बुलंद होना चाहिए बिल्कुल। और सरकार का इकबाल कितना बुलंद है, पुलिस विभाग का इकबाल कितना बुलंद है ये आप देख रहे हैं प्रदेश में। तो मैं क्या समझूं इरफान जी, आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासनी कमला जो है वो डरता नहीं है, ये समझूं मैं आप ये कह रहे हैं? अगर लोग वही रहेंगे ना जी, व्यवस्था तो वही लोग देखेंगे, कोई दूसरा आदमी थानेदार तो कोई दूसरा आ नहीं जाएगा जी, सिपाही तो कोई दूसरा आ नहीं जाएगा बिल्कुल, तो सारे लोग तो वही रहेंगे, व्यवस्था में तो वही लोग हैं। चलिए अगर ये व्यवस्था लागू करना था एसके द्विवेदी जी बदलाव करते पूरी तरीके से, क्या कहेंगे आप पूरी तरीके से या तो प्रणाली में बदलाव करते। हाँ? दो जगह तो आपने कमीशन सिस्टम लागू कर दिया, इरफान जी को डर है कि ऐसा ना हो कि जो बेगुनाह हो वो बेचारे पहले आगे चल के तो कहीं से ले आते थे बेलक, तो वो भी नहीं मिलेगी उनको। देखिए आज भी एक बात और मैं कह दूं, आज भी लोगों को एसडीएम से मिलना, डीएम साहब से मिलना आसान लगता है, एडीएम साहब से मिलना आसान लगता है, लेकिन थानेदार से, डीवाईएसपी से, एसपी साहब से मिलना आम आदमी जो है वो घबराता है। चलिए वो चलिए। किसी ना किसी को पकड़ कर जवाब दीजिएगा। काव्य दो चीजें मैं स्पष्ट कर दूं, पहले जी 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 कि ये कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं हुआ है, पहली चीज जी, ये ब्रिटिश टाइम में जब अंग्रेजों का शासन था भारतवर्ष में तो तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स हुआ करते थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, जिनके जल मार्ग के माध्यम से सारा व्यापार और सारा आना जाना होता था। प्रेसिडेंसी टाउन्स में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की थी। आज की तारीख में भारतवर्ष के 15 प्रदेशों के 71 महानगरों में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश और बिहार इससे अछूता था, उसका एक बेसिक कारण था कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था और क्राइम व्यवस्था दोनों बाकी स्टेट से डिफरेंट है। यहाँ आज भी फ्यूडल सिस्टम ज़्यादातर स्थानों पर लागू है और इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था पर कंट्रोल की तरीके को डिफरेंट तरीके से देखा गया था। जहां तक प्रश्न आया है कि हमसे पावर विड्रा के लिए, कोई पावर नहीं विड्रा हुई है। हम लोग जिस दिन यूपीएससी का एग्जाम देते हैं किसी को ये नहीं पता होता है कि कौन क्या करेगा। मेरिट के हिसाब से ऊपर के लोग आईएएस और आईएफएस में आते हैं, उसके नीचे के लोग आईपीएस और आईआरएस में जाते हैं, ये स्पष्ट व्यवस्था है। इसलिए आपस में कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं, जैसा कहा जा रहा है कि आईपीएस और आईएएस की लड़ाई की वजह से ये लंबित रहा। ये जो लंबन हुआ इसका, उसका एकमात्र कारण राजनैतिक रहा। राजनैतिक लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी कर पाते थे वो करते रहते थे। जहां तक ये दो महानगर चयनित हुए हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस आयुक्त व्यवस्था के लिए, वो बिल्कुल सही हैं। लखनऊ नगर की आज की तारीख की आबादी 39 लाख के आसपास पहुंच रही है और नोएडा जो पूर्णतया शहरी अर्बन क्षेत्र है उसकी आबादी लगभग 25 लाख के आए। तो ऐसी स्थिति में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू करने में प्रॉब्लम नहीं है। मेरा केवल एक प्रश्न है जो मैं कई चैनल्स पे बोल के दो दिनों से आ रहा हूं कि व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ये है कि हम आधारभूत इकाई, जिस पर अभी हमारे इरफान साहब का शक था, हमारी पुलिसिंग की व्यवस्था अभी भी थानेदार वही है, कांस्टेबल वही है, उसका माइंडसेट वही है। जो आदमी 5 लाख 8 लाख रुपया दे के भर्ती होके आया है वो आप भी आज समझिएगा कि हवा पी के रहेगा? आप उसको कितना भी आप जादू की छड़ी चला लीजिए वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहेगा। जी बिल्कुल। अभी तक लोगों में ये था कि चलिए अगर पुलिस हमारे ऊपर ज्यादा
गलत कार्य करेगी तो देखने के लिए एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब अब किनारे हो गए, अब उनके विभागीय मजिस्ट्रेट साहब हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले विधानसभा में देखा होगा कि सत्ता पक्ष के ही एक माननीय विधायक जी, जो इन्हीं के एक्टिविटीज से एग्रीव्ड थे, और 100 से ज्यादा विधायक लोग जो है बिल में बैठ गए, आज इतिहास में पहली बार हुआ। जी जी बिल्कुल। अगर पुराना इतिहास देखेंगे तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ही एक बार जब वो सांसद थे तो पुलिस की ही एक्टिविटीज को लेकर के पार्लियामेंट में बड़े दुखी हुए थे। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड पर है ये चीजें, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास इतना काम है अभी कि हम निश्चिंत हो गए। दूसरा ये है कि ये दो जनपद अगर पुलिस आयुक्त व्यवस्था के ट्रायल में गए हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश अभी भी प्रशासनिक व्यवस्था सीआरपीसी का जो सेक्शन 21 और सेक्शन 23 है, जो हमको मजिस्ट्रियल पावर देता है, जिसमें मजिस्ट्रेट शब्द डिफाइंड है, वही तो केवल चेंज किया गया है। जी, जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज को दिमाग से लोग निकाल दें कि इससे आईएएस का पावर कम हुआ है। आईएएस जहां है वहीं रहेगा। आज भी तारीख में पुलिस कमिश्नर साहब जो है वो अगर शासन में रिपोर्ट करेंगे तो वो प्रमुख सचिव गृह को ही रिपोर्ट करेंगे, और प्रमुख सचिव गृह आज भी आईएएस का ही अफसर बैठा हुआ है। जी। तो इसलिए ये दिमाग से भ्रांति निकल जानी चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं, जैसा कि इसमें अंतिम शब्द एक लाइन जोड़ी गई है जी, कि हर 6 महीने पर इसको रिव्यू किया जाएगा जी, इसका बार बार चेकिंग की जाएगी कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं किसी और करेक्शन की आवश्यकता तो नहीं है जी। क्योंकि ये मान के चले कि अभी नोएडा में 2010 बैच का आईपीएस ऑफिसर जो था वो एसपी था, और अभी जो एडीजी साहब पोस्ट हुए हैं वो 1995 बैच के हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरह से डाइल्यूशन ऑफ पावर इसको कहते हैं कि एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी को उस कुर्सी पर बैठा दिया गया जहां उनका बहुत कनिष्ठ भाई बैठ रहा था, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए कदाचित ये प्रयोग सही है। जो प्रकाश सिंह साहब की पीआईएल थी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, उसमें भी ये बात निरंतर रूप से कही जा रही थी कि पुलिस को और अधिकार दिए जाएं ताकि वो अपने कार्यों का निष्पादन अच्छी तरह से कर सके। बिल्कुल, पुलिस को पावर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशिनाथ जी, क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि देखिए, यूपी पुलिस की जब हम बात करते हैं तो दो एस्पेक्ट सामने आते हैं। एक वो चेहरा जिस पर एनकाउंटर्स को लेकर बहुत से सवालिया निशान खड़े किए गए, गिरफ्तारियों को लेकर बहुत से सवालिया निशान खड़े किए गए, और दूसरा वो चेहरा जो योगी आदित्यनाथ से डरता है। ये दो चेहरे हमेशा यूपी पुलिस के अभी तक सामने आए हैं योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान। काव्या जी, आपने जो है एक प्रश्न में कई प्रश्न बना दिया है। जी जी जी। सबसे बड़ी बात, जो कमिश्नर पुलिस में कमिश्नर प्रणाली जो लागू की गई है, इसमें कई चीज सामने आना बाकी है। अभी सबसे बड़ी बात ये होती है कि पुलिस विभाग हो या जो है प्रशासनिक विभाग में आईएएस या पीसीएस वर्ग में हो, उसमें यह बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कि जो जो जूनियर अधिकारी होता है उसको सीनियर अधिकारी कैसे जो है अपनी जो है रिपोर्ट देगा। जैसे आप कमिश्नर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, लखनऊ और नोएडा दो शहर है, ये किस मंडल, ये जैसे मेरठ मंडल के अंदर वो आता है, मेरठ मंडल पर जो है जो आईजी स्तर का अधिकारी जो है बैठा हुआ है, और एडीजी स्तर का अधिकारी को आपने कमिश्नर नोएडा एक गौतम बुद्ध नगर जिले का आपने वो बनाया है, तो क्या जो है वो रिपोर्ट किसको करेगा? वो अपने उस मंडल के अधीन जो जिला होता है अभी तक जो पुलिस एक्ट में और उसके अधीन है उनको रिपोर्ट करेगा कि वो सीधे डीजी को रिपोर्ट करेगा? वो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे अभी आएगी। अभी ये स्पष्ट कहीं भी नहीं है। नहीं, वो स्पष्ट कर दिया आज उन लोगों ने। हाँ। वो सीधा जो है शासन को रिपोर्ट करेगा। शासन को रिपोर्ट करेंगे तो शासन में गृह विभाग को रिपोर्ट करेंगे रिपोर्ट जी। और दूसरी बात ये है कि अगर गृह को रिपोर्ट करते हैं तो कई बार ये होता है कि जो मंडल के जो अधिकारी होते हैं, कोई वो होता है कि मंडल के अधिकारियों को लेके भी कभी कभी लाइन ऑर्डर का मामला आ जाता है, तो उसमें फिर क्या होगा? क्या वो पहले शासन को बताएंगे, भी शासन से अन्य मंडलों को रिपोर्ट जाएगी, सूचना तो वहां से उनको जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे डीसीपी स्तर के अधिकारी होंगे, नोएडा में अभी तक ये कहा जा रहा है कि 3 डीसीपी होंगे और लखनऊ में 7 डीसीपी स्तर के अधिकारी होंगे। डीसीपी स्तर के जो अधिकारी होंगे आईपीएस अधिकारी होंगे, और एसीपी स्तर के जो अधिकारी होंगे वो भी जूनियर आईपीएस अधिकारी। और एसीपी स्तर का क्या होता है, जैसे कहीं भी एसीपी स्तर पे ज्यादातर क्या होता है, सीओ लेवल के अधिकारी, सीओ में सीनियर जो उसमें,
और थाने का चार्ज किसको दिया जाएगा? इंस्पेक्टर लेवल पे थाने का चार्ज रहेगा कि एसीपी जो है सीओ लेवल के चार्ज रहेगा कि आईपीएस लेवल का रहेगा? ये सब चीजें अभी दो चार दिन में एकदम कंफर्म हो जाएगी, तो उसके बाद इनकी उसकी बात होगी। और जहां तक ये है कि इन्होंने भी कहा कि अभी मैं दो जिलों में लागू कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में लागू करने की अभी जो शासन में चल रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है दो जगह पे, अगर सफल रहा तो पूरा उत्तर प्रदेश, अन्यथा फिर यही दो ठीक है। मुख्यमंत्री जी वैसे भी शासन की जो रिपोर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसके बाद बनारस, कानपुर और उसके बाद गाजियाबाद, प्रयागराज का नाम भी आया था बीच में। हाँ, प्रयागराज का नहीं, उसमें उन्होंने कहा कि इतने इतने 10 लाख के ऊपर जो है आबादी वाले आबादी वालों में, जैसे लखनऊ नहीं, गोरखपुर नहीं है, अभी गोरखपुर अभी नहीं है, इसमें तीन जिले अभी और प्रस्तावित जिले हैं जिन पे काम चल रहा है शासन में। ये कहा जा सकता है कि सरकार के रहते रहते वहां भी लागू हो सकता है। अब इसमें आ जाइए कि ये जो है 1977 में इसका जो है किया गया था, रामदेश यादव की सरकार थी उस समय, तो उस समय ये लागू करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, आयोग ने रिपोर्ट दिया था जिसको लागू करने के लिए आईपीएस कैडर के लोग काफी दिनों से लगे हुए थे जो लागू नहीं कर पा रहे थे। अब आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि हमारे डीजीपी महोदय जो है उनका आईपीएस कैडर में उनका काफी स्वागत हो रहा कि आपने कम से कम दो जगह, इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो सीनियर अधिकारी हो गए थे वो किनारे पड़े रहते थे, और जब भी आप मेन जैसे कप्तान की पोस्ट होती है जिले में, मेन मुखिया की होती है, पूछ उन्हीं की होती है, अब उनके नीचे आप अब एक जो है स्तर का, एक जो है एडीजी स्तर के, आईजी स्तर के, ये सब जिलों में तैनात होंगे, फिर उनके नीचे आईपीएस स्तर के, सीनियर आईपीएस स्तर के, जूनियर आईपीएस स्तर के, तो जितने ये अधिकारी क्या है एडजस्ट हो जाएंगे आईपीएस में, इसलिए खुशी है। और जहां तक ये है कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से पूरा इनसे छीन लिया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों से कहीं नहीं छीना गया है, जैसे एनएसए ये पुलिस कमिश्नर के पास रहेगा गंगेश्वर। लेकिन शशिनाथ जी यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो हर सवाल का जवाब आप जाके मजिस्ट्रेट से पूछते थे कि हमें लाठी चार्ज करना है, हमें परमिशन दीजिए, उसके बाद ही हम लाठी चार्ज नहीं, कर पाएंगे। ऐसा है, इसको मैं क्लियर कर दूं, सीआरपीसी का जो अमेंडमेंट हो गया था इसके बाद ये आदेश हो गए थे, या सीआरपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये कहा गया था कि जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर मौके पे मौजूद रहेगा उसको डिसीजन लेने का अधिकार है और वो डिसीजन ले सकता है, इसलिए वो चीज नहीं है जिस चीज को आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। द्विवेदी जी 144 और कर्फ्यू के लिए भी क्या ये इम्प्लीमेंटेशन है? नहीं, के लिए तो डीएम से 144 के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। डीएम से परमिशन क्या, डीएम का आदेश होगा। इसमें स्पष्ट इन्होंने किया है एनएसए, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, फायर, इंटेलिजेंस और कारागार, अनैतिक व्यापार और पुलिस अधिनियम। हाँ, ये इनके पास खाली इतने ही रहेंगे। एक्सप्लोसिव एक्ट, इसमें एक और है विस्फोटक अधिनियम। हाँ, वही पुलिस द्रोह अधिनियम और कारागार अधिनियम, और ये सब इनके पास मात्र रहेगा। और जो प्रशासनिक, इसके अलावा जो प्रशासनिक है कोर्ट, और इसके अलावा भी जो कोर्ट है वो जिस तरह से पहले था एकदम सेम वैसे रहे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं, किसी का अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं, बस एक तरह से ये है कि जो है एडीजी स्तर का एक सीनियर अधिकारी जिले में बैठेगा और उसके बाद उसके नीचे जूनियर बैठेंगे। अब एक सीनियर अधिकारी यातायात देखेगा, उसके नीचे फिर यातायात देखेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि इसका देखिए इसका एक फायदा भी होगा। इसका फायदा ये होगा कि कभी कभी हमारा देखा जाता था कि वो एक जूनियर अधिकारी होता था तो वो कभी कभी दब जाता था। छोटे आप देखिए कि सबसे बड़ी बात गाड़ियों में यातायात में देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में नेतानगरी, तो उसमें गाड़ियों का झंडा या जो है कुली अधिकारी है, तो जब इतना सीनियर अधिकारी बैठेगा तो उससे उसका थोड़ा सा वो रहेगा, और जो उस फिर आईपीएस उसके नीचे जो रहेगा वो अगर सड़क पर खड़ा रहेगा तो सिपाही भी ढंग से काम करेगा, तो उसका फायदा भी होगा जो है सरकार को, और जनता को भी फायदा मिलेगा, और इसका नुकसान भी है। अगर अधिकारी गलत अगर है, उसे हर एक जगह होता है, चाहे एसएसपी रैंक का हो, जिलों में एसएसपी, मंडल में एसएसपी रैंक का और जिलों में एसपी रैंक का अधिकारी तैनात होता है, उसी तरह से अब जब ये कह लीजिए महानगरों में कमिश्नर रैंक का अधिकारी तैनात किया जा रहा। सवाल यहाँ शशिनाथ जी एक और उठेगा, अभी मैं ब्रेक के बाद इस विषय पर चर्चा करूंगी कहीं ना कहीं। यहाँ अपने विभाग तो बांटे, मतलब पोजीशन चेंज करी, डेजिग्नेशन चेंज कर दी, लेकिन अफसर वही हैं, और अफसरों के काम की प्रोसीजर आप और हम बहुत बखूबी जानते हैं, उस पर सवाल उठाएंगे क्या उन पर भी कुछ कार्य में प्रगति करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। यहाँ रुकिए, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।